अपने विवादित बयान पर कायम आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बोले, जो लोग तिलक लगाकर घूमते हैं उन्हीं लोगों ने भारत को गुलाम बनाया है। जगदानंद सिंह के बयान से जेडीयू ने किया किनारा। जेडीयू मंत्री जमा खान बोले, इस तरह की टिप्पणी गलत, सीएम नीतीश सभी धर्मों का करते हैं सम्मान। जगदानंद सिंह के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा जगदानंद का हो चुका है राजनीतिक पतन, वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जगदानंद सिंह पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का वार, कहा वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले आज की युवा पीढ़ी के बुजुर्ग होने से पहले अखंड भारत बनेगा हकीकत, भारत से अलग हुए लोगों ने की गलती। कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियंक खड़गे का अखंड भारत वाले बयान पर तंज, कहा अखंड भारत की बात करने से पहले चीन पर बात कर लेनी चाहिए। मोहन भागवत के अखंड भारत वाले बयान पर बोले संजय राउत, कहा अखंड भारत एक सिर्फ चुनावी जुमला। एसपी सांसद एसटी हसन ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान से का समर्थन किया है, कहा हम भी चाहते हैं कि अखंड भारत बने, भारत की करेंसी और जीडीपी दुनिया में मजबूत हो। उदय निधि के बाद डीएमके के सांसद ए राजा का सनातन विरोधी बयान, कहा एचआईवी और कुष्ठ रोग जैसा सनातन धर्म को बताया सामाजिक बीमारी। सनातन विरोधी बयान, सियासी संग्राम तेज, विवाद के बाद उदय निधि स्टालिन की सफाई, कहा मेरे बयान का निकाला गया गलत मतलब, मैं किसी भी धर्म का दुश्मन नहीं। बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने सनातन विरोधी बयानबाजी पर पूछे सवाल, कहा सनातन पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुप क्यों हैं। उदय निधि स्टालिन के बयान पर भड़के संजय राउत, कहा बयान से पूरे देश का माहौल खराब हो गया, इस तरह के बयान से बचना चाहिए था, हिंदू आस्था पर चोट ठीक नहीं। सनातन विरोधी बयान पर पटना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, इंडिया गठबंधन के नेताओं का दाह संस्कार किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जन जागरण समिति ने लगाए पोस्टर, उदय निधि स्टालिन को थप्पड़ मारने वाले को 10 लाख रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार को बताया सनातन विरोधी, कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर दिया विवादित बयान। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने विपक्षी गठबंधन पर उठाया सवाल, कहा सनातन और हिंदू धर्म का अपमान करने वाला गठबंधन नहीं चलेगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ, हर जिले में पैदल यात्रा का आयोजन, जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। महाराष्ट्र में हिंसक हुआ मराठा आरक्षण आंदोलन, बीड जिले में प्रदर्शनकारियों ने बस डिपो में लगाई आग। 20वें आसियान समिट में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, कहा हर क्षेत्र में मिलकर काम करने का समय, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर हमारा मन। प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान में भारत की एक्ट ईस्ट नीति को बताया बेहद अहम, कहा भारत और आसियान के रिश्ते और भी होंगे मजबूत, तेजी से बढ़ रहा है आपसी सहयोग। इंडोनेशिया में पीएम मोदी 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हुए शामिल, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने की सम्मेलन की शुरुआत। जकार्ता यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने जावानीस गैमेलन पर आजमाया हाथ, पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी की एक झलक के लिए एनआरआई भीड़, जकार्ता में होटल रिट्ज कार्ल्टन के बाहर प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों ने स्वागत किया। जकार्ता में बैठक के बाद आज ही दिल्ली वापस लौटेंगे पीएम मोदी, शाम करीब 7:45 बजे दिल्ली पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने इंडोनेशिया की नई हाई स्पीड ट्रेन की सवारी की, इस दौरान कई इंडोनेशिया के मंत्री अधिकारी मौजूद रहे। G20 समिट के लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार, कई देश में मेहमानों की शिरकत, दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। G20 समिट में शामिल होने के लिए कल भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। G20 के मद्देनजर दिल्ली जयपुर हाईवे से दिल्ली में सभी गाड़ियों की नो एंट्री आज रात 12 बजे से 10 सितंबर रात 12 बजे तक एंट्री रहेगी बंद। G20 समिट को लेकर दिल्ली सरकार का फैसला, 10 सितंबर तक सभी सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश। दिल्ली में 11 सितंबर तक मेट्रो पार्किंग रहेगी बंद, G20 सम्मेलन के मद्देनजर लिया गया फैसला। G20 बैठक में हिमाचली संस्कृति की झलक, दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रदर्शनी के जरिए कुल्लू के प्रोडक्ट को मिलेगी नई पहचान। सौर मिशन आदित्य L1 ने अंतरिक्ष में ली सेल्फी, इसरो ने जारी की तस्वीर, सेल्फी में दिखाई दे रहे हैं आदित्य L1 के कई उपकरण। देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मुंबई के दादर में जन्माष्टमी के अवसर पर दही हांडी का उत्सव शुरू। आंध्र प्रदेश के नंदयाल में एनआईए की छापेमारी, पीएफआई से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों को लेकर तलाशी ली। यूपी के हरदोई में मदरसों में बड़ा फर्जीवाड़ा, 2400 छात्रों का वेरिफिकेशन में नहीं मिला डेटा, गायब छात्रों के नाम पर दी जा रही थी छात्रवृत्ति।
भारत की राह चला जापान, चांद पर पहुंचने के लिए मून लैंडर किया लॉन्च, 4 महीने बाद जापान का अंतरिक्ष यान चांद पर पहुंचेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।